अब पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, एक ट्री है जिसके टॉप पर एक पिकॉक बैठी हुई है भाई, अच्छी बात है। इट ऑब्जर्व अ सरपेंट, यहाँ पे सरपेंट है एक, ठीक है, ऑन द ग्राउंड मेक इन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देखो यहाँ पे पिकॉक था, यहाँ पे सरपेंट है, इसको ज्वाइन करा और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। पिकॉक कैचेस द सरपेंट इन 12 सेकेंड, ये 12 सेकेंड में इसको पकड़ लेती है, और स्पीड जो है वो फॉलो होती है 300 मीटर पर मिनट, मिनट में है ये चीज, ठीक है, मिनट में है। और हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, ये हमें एच पता करना है, ये एच पता करना है, समझ रहे हो, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या आपको फिगर समझ में आ गया, क्या आप सबको बच्चों को फिगर समझ में आया इस क्वेश्चन का, बता दो जरा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन बताओ क्या सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का फिगर समझ में आ गया है, क्या क्या इस क्वेश्चन का फिगर समझ में आया आपको, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब आप बताओ, अगर इस ट्राइंगल में अगर मुझे ये लेंथ पता लग जाए AC, तो भैया sin 30 लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो AC कैसे मिलेगा। AC हम कह सकते हैं एक डिस्टेंस है, क्या है भाई, लेंथ है, एक डिस्टेंस है, यही तो सब बोलोगे आप, लेंथ है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, हमें यहां से लेके यहां तक की स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है। स्पीड है 300 मीटर पर मिनट और टाइम है 12 सेकेंड्स, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे। स्पीड जो हमें दे रखी है ना, स्पीड अभी कितनी दे रखी है, स्पीड 300 मीटर पर मिनट में दे रखी है, हम मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, क्योंकि टाइम हमें सेकेंड्स में दे रखा है, क्योंकि हमें टाइम जो है वो सेकेंड्स में दे रखा है, इसलिए। तो कैसे करेंगे भाई, 300 मीटर पर सेकेंड में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो नीचे हमें 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे मतलब नीचे करना पड़ेगा, ऊपर नहीं, क्योंकि नीचे है मिनट, तो ये सेकंड में आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या ये 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगा, यानी स्पीड हमारी 5 हो गई, टाइम हमारा 12 हो गया, तो क्या डिस्टेंस जो है यानी लेंथ जो है क्या वो 60 मीटर कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो, यानी ये जो लेंथ है AC वो हमारी 60 मीटर आ जाएगी, बताइए जरा कमेंट सेक्शन बताओ, क्या आपको समझ में आ गया। GW लक्ष्य ने आंसर कर दिया है, कितने बच्चों को समझ में आ गई बात, किस किस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, भैया यहाँ पे ये 60 मीटर है, तो डी हमारा 60 मीटर से आंसर आ जाएगा। तो भैया टेन टेन 30 डिग्री लगा लो यहाँ पे, 10 30 डिग्री, सॉरी साइन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या ये एच अपॉन 60 हो जाएगा, साइन 30 इज 1/2 एच अपॉन 60, 2 से काट दीजिए 30, तो क्या यहाँ से एच इज इक्वल टू हमारा 30 आ जाएगा, क्या हमारा एच 30 आ जाएगा, जरा कमेंट सेक्शन बताओ, तो 30 मीटर आ जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, 30 मीटर, हाइट ऑफ द ट्री विल बी 30 मीटर आपका आ जाएगा।